आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मिसयूज की जाती है। ये टुपुक टुपुक करती हुई लाइटें देख रहे हो, एक नहीं दोनों टुपुक टुपुक करती हुई लाइटें, यानी कि हजार लाइट। और जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है। अपना तो बेटा तू पूरा मेकअप करके आया है और मेरे ऊपर से तूने धूल भी आज साफ नहीं करी। सॉरी भाई अभी कर रहा हूं, हाँ जी भाई, अब ठीक है, गुड बॉय, अब दे ले ज्ञान। चलिए तो अब हमें परमिशन मिल गई नंदी जी की, अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में और जानते हैं इसका यूज कहाँ होता है। तो सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं इसका जवाब आपको बताऊं तो इसका यूज होता है अगर आपकी गाड़ी स्टेशनरी है और वो गाड़ी दूसरों के लिए हजार्ड बन सकती है, यानी कि दूसरों के लिए खतरा बन सकती है, तो आप ये दोनों इंडिकेटर चला के, यानी कि दोनों साइड के इंडिकेटर चला के, चारों इंडिकेटर चला के ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, स्टेशनरी पोजीशन पे है और आपके लिए हजार्ड बन सकती है, इसलिए इसको देखते हुए चलिए। गाड़ी खतरा किसी भी वजह से बन सकती है, चाहे उसका पेट्रोल खत्म हो जाए या फिर पंचर हो जाए गाड़ी सड़क के बीच में, तो आपको हजार्ड लाइट का यूज करना है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कब यूज करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कहां कहां यूज नहीं करना है और कोशिश करूंगा ये शेयर करने के लिए कि कहां कहां लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, खास करके हमारे देश प्रिय भारत में। सबसे पहला और सबसे ज्यादा किए जाने वाला गलत यूसेज है, लोगों को लगता है जैसे ही विजिबिलिटी कम हो, या तो बहुत तेज बारिश हो रही हो या फिर कोहरा पड़ रहा हो, उनको अपने हैजार्ड लैंप ऑन करके ही चलना चाहिए, उनको लगता है ये उनकी विजिबिलिटी बढ़ाता है। एक आदमी ऑन करता है तो उसको देख के भेड़ चाल की तरह सारी दुनिया ऑन करके चलने लगती है, बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, अगर आपकी गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन पे है, यानी कि रुकी हुई है एक जगह पे, तभी आपको इसको यूज करना है, यानी कि हेडलैम्प्स को यूज करना है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोगों को क्यों लगता है कि सामने वाले ने हजार्ड लैंप यूज करनी शुरू कर दिए तो हमको भी करनी चाहिए, मतलब फोमो हो जाता है उनको, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि भाई साहब एक गाड़ी की तो चारों लाइटें चल रही है, मैं अभी दिखाता हूं मेरी गाड़ी में भी चार लाइटें हैं जो टुपुक टुपुक करती हैं। और तो और बहुत से एक्सपीरियंस ड्राइवर भी आपको ये सब गलतियां करते हुए दिखेंगे, यहां तक कि कुछ टैक्सी ड्राइवर्स भी आपको ये गलती करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन कभी भी पास ऑन नहीं की गई, क्योंकि हमारे देश में 1500 रुपए देके लाइसेंस बनवा लिया जाता है, कभी भी टेस्ट तो दिया ही नहीं जाता, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इसका यूसेज क्या है। दूसरा, लोगों को यह लगता है कि जब भी वो किसी टनल में एंटर होते हैं तब उनको हैजार्ड लैंप ऑन कर लेने चाहिए, जिसके पीछे कोई सेंस नहीं है। पता नहीं या तो कहीं उनको लिखा हुआ दिख जाता हो कि हैजार्ड लैंप ऑन कर लो वरना 2500 रुपए ज्यादा लेंगे, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। कहीं पे भी किसी भी टनल में घुसते वक्त आपको कोई भी हैजार्ड लैंप ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी पार्किंग लाइट या फिर हेडलाइट्स ऑन कर सकते हैं, दैट इज सफिशियंट। अब मुझे पता है कि बहुत से लोगों को मिर्ची लग चुकी होगी, कमेंट बॉक्स में गालियां लिखनी शुरू कर दी होंगी कि भाई साहब नुकसान क्या है, क्यों इतना ज्ञान फैल रहा है, क्या नुकसान है अगर चारों हैजार्ड लैंप चल रहे हैं तो हमारे। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, अगर आप सीधा चल रहे हैं और अगर आपने टर्न लेना है और आपने इंडिकेटर दिया भी, तब भी इंडिया के अंदर ज्यादातर कार्स में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि आपके जो हैजार्ड लैंप है वो टर्न इंडिकेटर के साथ बंद हो जाए, नहीं, वो जलते ही रहते हैं। यानी कि जब आप टर्न ले रहे होते हैं, चाहे आपने इंडिकेटर दिया भी हो, तब भी आपके चारों इंडिकेटर्स जलते हैं और पीछे वाले बंदे को नहीं गेज आएगा कि आप टर्न लेने वाले हैं और वहां पे बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता है कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में आपने सोचा हो कि मैंने तो इंडिकेटर दे दिया अब कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा हैजार्डियस सिचुएशन वहां पे पैदा हो जाती है, आप सच में किसी के लिए हैजार्ड बन रहे हैं। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेशनरी गाड़ियों में ही यूज हो सकता है, तो अगर आप ऐसी चारों बत्तियां अपनी जला के कहीं जा रहे होंगे तो सामने वाले को गेज नहीं होगा कि आपकी गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है, हाई स्पीड पे फिर भी बहुत कम गेज होता है, इसलिए आपकी गाड़ी सच में वहां पे हैजार्ड बन जाएगी, क्योंकि आप हैजार्ड लाइट जला के चल रहे होंगे, किसी को मिसगाइड कर रहे हैं आप, एक तरीके से आप दिखा रहे हैं कि आप रुके हुए हैं लेकिन आप चल रहे हैं, जो कि एक्सीडेंट कॉज कर सकती है। और दूसरी चीज, बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई साहब आपने ना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगा रखी, दुनिया भर को आप बता रहे हो लीगल इलीगल, तो आप सबसे निवेदन है, मैं आप कमेंट बॉक्स में बता के थक गया हूं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मेरी गाड़ी में लगी हुई थी, बारिश का सीजन आया, हमने पानी में से थोड़ी सी ओवरलोडिंग करी और वो निकल के गिर गई, मुझे नोएडा वापस जाना पड़ेगा उसको लगवाने के लिए, ऑर्डर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन जब मैं नोएडा या NCR में जाऊंगा उसके बाद ही लग पाएगी, क्योंकि मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नोएडा का है। थैंक यू, आप लोगों का इतना कंसर्न है, लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में आके ये भी बताते हैं कि भाई साहब आपका इतना चलान चल रहा है, तो थैंक्स फॉर द लव। अब एक बहुत वैलिड कंफ्यूजन भी है कि लोगों को लगता है अगर बाय चांस कभी हमको इमरजेंसी में रॉन्ग साइड चलना पड़े तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हम हैजार्ड लैंप जो है वो जला के चलेंगे, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, आप हैजार्ड लैंप उसमें भी यूज नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग वे टू डू इट।
तो मैं आपको बता दूं कि इस पे भी भाई साहब चलान होता है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को बिना चलान की कोई चीज समझ नहीं आती। आपका 300 से लेकर 1000 रुपए तक का चलान हो सकता है। अगर आप मेघालय मिजोरम से हैं तो वहां पे ऑलरेडी चलान होते हैं इस चीज के। अब ज्यादा टाइम दूर नहीं कि बाकी NCR या फिर बाकी देश के हिस्सों में भी इस चीज के चलान बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगे। इसलिए ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप सबको बताने की कि हैजार्ड लैंप जो है वो यूज कब करने हैं और कब नहीं। सीधी सी बात है, जब आपकी गाड़ी स्टेशनरी हो और आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के लिए खतरा बन सकती हो तब आपको इसको यूज करना है। ये नहीं कि आप अच्छी खासी पार्किंग स्पॉट में खड़े हो तब आप भी हैजार्ड लैंप चला के जाए, नहीं। सिर्फ गाड़ी स्टेशनरी हो और दूसरों के लिए खतरा बन सकती हो, ऐसे स्पॉट में खड़ी हो जहां पे दूसरी गाड़ी को खतरा हो सकता है आपकी गाड़ी से, तभी आप इसको यूज करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, लोगों के साथ प्लीज शेयर कर देना, अपने फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर कर देना, क्योंकि लोगों को सच में नहीं पता होता कि हैजार्ड लैंप का यूज क्या होता है। बहुत बहुत सीनियर लोग होते हैं, 15-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको फिर भी नहीं पता होता। इसी के साथ सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगली वीडियो कौन सी चाहिए। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई एंड मेक वीडियो आउट ऑफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।